कानपुर केस में लगातार 3 ऑडियो वायरल होने के बाद विकास दुबे की बहू और शशिकांत की पत्नी मनु उर्फ पिंकी को उसके घर में पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। 2 दिन से उसके घर के दरवाजे पर पुलिस तैनात है। शुक्रवार को मीडिया वालों को देखकर चिल्लाती हुई विकास दुबे की बहू ने कहा, पुलिस को जो पूछना है पूछ ले, मैं सच बताऊंगी, पर पुलिस कुछ पूछ ही नहीं रही। मुझे कहीं नहीं निकलने दिया जा रहा, ना ही किसी से बात करने दिया जा रहा है, मेरा दम घुट रहा है। बुधवार को मनु की सास सुषमा की तबीयत अचानक खराब हो गई। पुलिस ने एम्बुलेंस से उसे पहले चौबेपुर CHC भेजा, फिर हेलिक लेकर गई। इसके साथ मनु भी अपने दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंची। देर रात अस्पताल से छुट्टी होने के बाद पुलिस ने उसे घर छोड़ा। गुरुवार सुबह से ही नजरबंद कर रखा है। लगातार वायरल हो रहे ऑडियो के बीच में मनु ने कहा, पहले वो कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन अब पूरी घटना के बारे में सब कुछ सही सही बता देगी। हालांकि इस बारे में बिकरू गांव के जन चौपाल लगाने वाले CO त्रिपुरारी पांडे को ही बयान दर्ज कराएगी। मनु ने कहा, मैं किसी तरह के विवाद में नहीं फंसना चाहती, सब कुछ सही सही बताकर सुकून से रहना चाहती हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगी। उधर CO त्रिपुरारी पांडे ने कहा, बीते दिनों गांव में कैंप के दौरान मनु ने काफी कुछ बताया, उसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है, अगर अधिकारियों का आदेश आया तो दोबारा बयान दर्ज करेंगे। आपको बता दें, बिकरू कांड के बाद प्रेम प्रकाश पांडे उर्फ मामा को मुठभेड़ में मार गिराया। बेटा शशिकांत पांडे उर्फ सोनू फरार है। घर में प्रेम प्रकाश की बहू उर्फ पिंकी और पत्नी सुषमा बची हैं। दोनों से कई चक्र की पूछताछ के बाद शशिकांत का पता नहीं चला। पुलिस ने मनु का फोन सर्विलांस और लिसिंकिंग पर लिया, कुछ डाटा रिट्रीव कराया तो पूरा राज खुल गया। जो जानकारी आ रही है उसके आधार पर आपको बता दें, शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद मनु का ऑडियो वायरल हुआ। मनु अपने बड़े ससुर की बहू से फोन पर बात कर रही है और जो कुछ भी 3 जुलाई को बिकरू गांव में हुआ उन्हीं सबको लेकर बातचीत कर रही है। विकास दुबे की बहू ने यानी मनु ने अब फैसला कर लिया है कि पुलिस को जो पूछना है सब कुछ सच सच बता देगी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।